नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पार्थ शर्मा और आप देख रहे हैं पार्थ शर्मा फिट। जैसे कि मैंने कोरोना वायरस का टीका लगवा लिया है, उसको बोलते हैं वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन मैंने लगवा ली है, तो जैसे कि मैंने अभी वैक्सीन लगवाई भी है, बहुत लोगों के ऊपर मिथ्यता, आपने नीचे टाइटल पढ़ी लिया होगा, ठीक है। बहुत लोगों का मिथ था कि वैक्सीन लगाने से लोग मर जाते हैं। कुछ लोग का था, किसने लगवाया भी नहीं है, वो बंदा बोल रहा है कि मर जाओगे मत लगा, या फिर बेहोश हो जाओगे, या बहुत बीपी लो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब मैं बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं शुरू। जैसे कि आपको पता होगा कि वैक्सीन लग चुकी है, मतलब 45 प्लस, 60 प्लस एंड 80 प्लस, ठीक है, उन तीनों को लग चुकी है, ठीक है। जो 45 प्लस ऊपर हैं, जैसे मेरे मदर एंड फादर, ठीक है, आपके फैमिली वाले कोई बड़े होंगे, ठीक है, उनको लग चुकी है। 60 प्लस उनको भी लग चुकी है एंड 80 प्लस उनको भी लग चुकी है, ठीक है। तो अब हो रहा है कि 18 प्लस लोगों को भी अब लगनी शुरू हो गई है, मतलब लग तो मतलब 2-3 महीने पहले से है, लगनी शुरू हो गई है। लेकिन क्या हो रहा है फ्रेंड्स, कि इसमें भी बहुत ज़्यादा घोटाले हो रहे हैं, ठीक है। घोटाले तो मतलब 45 प्लस पूरी वैक्सीन को लेकर ही हो रहा है, एज का मैं क्या बताऊं, ठीक है। तो आई थिंक 50-60% लोगों को लग चुका है, और बाकी जो 30-40% आप मान के चलो कि उन लोगों को अभी नहीं लग पाया, उनमें से एक मैं भी हूँ, ठीक है। लेकिन आखिरकार जैसे तैसे लगवा लिया मैंने वैक्सीन, और बहुत लोगों का मिथ था कि इससे आपको बेहोश हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, सब बताऊँगा। तो जैसे कि आपको पता होगा कि वैक्सीन, पहले आपको बता देता हूँ वैक्सीन क्या काम करती है। वैक्सीन आपको कोरोना से बचाती है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ये है कि इससे आपकी इम्यूनिटी, जो आपकी जो बूस्ट होती है, जो बहुत लोग कह रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, इससे आपकी इम्यूनिटी लो होने वाली है। जी हाँ, वैक्सीन लगाने के बाद आपको इम्यूनिटी लो होने वाली, बाद में धीरे धीरे बढ़ जाएगी, लेकिन लगाने के कुछ आई थिंक 6 या 7 घंटे बाद आपकी इम्यूनिटी लो होने लगेगी, आपको थकावट महसूस होगी, आपको बेहोशी के हालत में होगे, जैसे कि आप शराब पीते हो, ठीक है, शराब पीते हो या कुछ भी आप नशा करते हो, उसके बाद आपको सर चकरा चकरा सा लगता है, वो आपको होने लगेगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ गलत चीज़ दे दी आपको, वो आपके अंदर जो वैक्सीन है वो आपके अंदर फैलेगी ना, जब आपके अंदर फैलेगी तो आपको रिएक्शन होगा, थोड़ा बहुत रिएक्शन तो करेगी, उसको पहले स्टेबल चाहिए, एकदम से थोड़ी ना एकदम से लगा दिया एकदम से हो गया सब कुछ, या फिर अगर आप एकदम से आप दवाई खाते हो एकदम से ठीक तो ना हो जाते हो, थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसी इसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, फैलेगी वो सब होगा उसके अंदर, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आपके अंदर कुछ कोरोना वायरस भी आपके अंदर आ चुके होंगे, ठीक है, थोड़े बहुत आ चुके होंगे, ठीक है, उससे भी वो लड़ेगा, तो इसलिए आपका थोड़ा सा इम्यूनिटी लो हो जाएगी, आपको थकावट महसूस होगी, आप भी होश से महसूस करेंगे, और हाँ मेन बात, बुखार जरूर आएगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, बुखार जरूर आएगा, अगर नहीं आता तो अच्छी बात है,
लेकिन कहते हैं कि आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे पता लगता है कि हाँ कि वैक्सीन असरदार हुई है, ठीक है, इससे आपको लगेगा कि हाँ असरदार हुई है, तो आपको वैक्सीन, तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे आप डरिए मत। हाँ बस आपको आई थिंक, नहीं तो मैं कहना चाहूँगा 18 घंटे या फिर 15 घंटे, इतने घंटे तक तो आपको बुखार रहेगा ही रहेगा, बट हाँ बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। हाँ इतना आ सकता है कि आप जाओ इसको जल्दी से हॉस्पिटल हॉस्पिटल जाओ, वो वाला हिसाब हो सकता है, मतलब 108 110 तक शायद ही पहुँचे, मतलब 1% लोगों को वो पहुँच सकता है, 1 या 0.5% लोगों को पहुँच सकता है 110 तक, वरना 108 104 ऐसा ही आपको आएगा बुखार, बहुत तेज वाला आएगा बुखार, ठीक है, इससे आप मत डरना, ठीक है। मेरे को भी हो रहा था, जब मैं लगवाने जा रहा था उससे पहले भी मेरे को बहुत ये हो रहा था कि मेरे को बुखार आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हाँ होता है, लेकिन फिर बाद में अपने आप ही एकदम से बढ़ता है, दवाई खानी पड़ती है आपको, अगर आप दवाई वगैरह कुछ ना कुछ नहीं करोगे तो और बढ़ेगा, फिर आप दवाई खाओगे तो अपने आप ही कम हो जाएगा, एकदम से बढ़ेगा और एकदम से ही कम होगा, ये बात आप ध्यान रखना। 6 घंटे बाद, मतलब कभी भी आपको 6 या 8 घंटे बाद वैक्सीन लगाने के बाद, 6 से 8 घंटे या कभी भी कुछ 3 4 घंटे में, कभी भी वैक्सीन लगाने के कुछ घंटे बाद, मतलब 3 घंटे के बाद आपको कभी भी आपको हो सकता है आपको फीवर वगैरह हो सकते हैं वो पड़ेगा, फिर आप दवाई वगैरह लोगे उससे एकदम से कम हो जाएगा, मतलब 18 घंटे बाद, 18 से 15 घंटे में ठीक आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एनर्जी लो लगेगी, ठीक है, उसके लिए आप अच्छी डाइट लेना, उस समय आप अच्छा चीज़ लेना, बस हाँ एक चीज़ मत लेना, गर्म पानी मत पीना, गर्म चीज़ें मत खाना, ठीक है, जितना हो सके ठंडी चीज़ें लेना, बट ये नहीं है कि पानी भी आप ठंडा पीने लग जाओ, ला यार सब कुछ ठंडा ला ठंडा ला, बर्फ बर्फ वाली चीज़ें ले आ, नहीं ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना और वैक्सीन कराने जरूर जाओ, ठीक है, यही मेरी वीडियो थी कि वैक्सीन कराने जरूर जाओ, और बहुत लोग बोल रहे ना इससे मर जाएंगे ये हो जाएंगे, उनको बोलो भाई खुद लगा ले फिर देख मरा नहीं मरा। हाँ और उसके बाद वैक्सीन लगाने के बाद ये नहीं है कि आपको ढिलाई ढिलाई कर सकोगे, आप लाइट छोड़ दोगे, मास्क लगाना भूल जाओगे, सोशल डिस्टेंसिंग करना भूल जाओगे, हैं अपने आप को क्लीन रखना भूल जाओगे, ऐसा कभी नहीं करना, सब कुछ याद रखना है, ठीक है, तभी आप बच पाओगे, ये नहीं है कि आपने लगा दिया और कुछ 12 13 घंटे तक आपको ये सब रहा तो आप बिल्कुल फिट हो गए, मतलब अब मेरे को होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा आपको बचा सकता है, जैसे कोरोना वायरस आ भी गया तो आपको 50% बचाएगा, 50% का क्या होगा बताइए, क्या होगा, आप ही इसको इस चीज़ को समझें, तो इसलिए आप 50% वाला जो आपका है उसको आपको मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों को धोना, ये सब आप जारी रखें जब तक कोरोना वायरस नहीं जाता, मतलब मेरे को तो नहीं लगता कि कोरोना वायरस जाएगा, क्योंकि चीन ने बहुत 2000 से ज़्यादा वायरस ने बना रखे हैं, आप लोगों को भी पता है, तो एक के बाद एक लाया जा रहा है, अभी डेल्टा प्लस आ गया है, अभी भी आ ही गया है, दिल्ली में 3 4 केसेस आ चुके हैं, पता नहीं अब क्या क्या कितने कितने वायरस लाएगा, अभी तक ये कोरोना वायरस ही ख़त्म नहीं हुआ है, क्या है यार, चाइना को हम सोचते हैं कि तबाह करें पर नहीं कर सकते, क्योंकि हम चीज़ें ही चाइना की लेते हैं, हर चीज़ चाइना की लेते हैं, इंडिया में तो कुछ ढंग का बन ही नहीं रहा है, क्या कर सकते हैं, मोबाइल देख लो, हर चीज़ देख लो, कपड़े देख लो, नहीं कर सकते, बस ये है कि बस उनसे दूरी बनाए रखो, जो भी आपको दिखे ना चाइना वाला, कोई भी इंसान दिखे चाइनीज़ भाषा में बोलते हुए, बेटा उससे दूर रहो, मैं तो कहूँगा सीधा भाई दूर रहो उससे, ठीक है, ठीक है, अगर वो रहता रहता क्यों ना यहाँ पे हो, और पैदा क्यों ना वहाँ पे हुआ हो, फिर भी भाई चाहे वो चाइनीज ही चाइना से आया ना हो,
फिर भी वो चाइनीज बोलता हो। भाई दूर रहो जितना हो सकता है, मैं तो भाई दूर रहूँगा उससे, उन लोगों से। ठीक है, तो ठीक है यहीं तक ही थी वीडियो, और ज़रूर लगाए वैक्सीन। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो 18 से कम के लोग थे उनका भी ट्रायल अभी चल रहा था, वो भी अब बंद कर दिया गया है। आपको अगर पता होगा या नहीं तो ये भी मेरे को बताना था। ठीक है, आपको अगर पता है तो नहीं, तो अभी तो ट्रायल वगैरह बंद कर दिए गए हैं, काम करना इस पे बंद कर दिया गया है, क्योंकि सितंबर तक आनी थी वो वैक्सीन, आनी थी मतलब 18 से कम बच्चों के लिए आने वाली थी, और वो भी बंद कर दी गई है। देखते हैं कब चालू होता है, कब क्या होता है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, कोई नहीं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। कैसी लगी आपको ये वीडियो, होप करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा कि वैक्सीन जरूर लगाएं, इससे डरे नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए रखें, अपनी सेफ्टी है तो हर चीज़ है। ठीक है, तो जितनी सेफ्टी रखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, और ढिलाई ना बरतें वैक्सीन लगाने के बाद, मतलब 2 दिन तक आपको अजीब सा हो सकता है, उसके बाद आपको ठीक हो जाएगा। ठीक है, हाथों में, और हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया कि आप जिस हाथ से आप काम करते हैं उस हाथ में बिल्कुल मत लगाना। ठीक है, सुन लीजिए, जिस हाथ में आप काम करते हैं उस हाथ में आप वैक्सीन मत लगाना। अगर आपने उस समय आपने लगा ली, जैसे आप राइट हैंड में काम करते हैं, तो अगर आपने राइट हैंड में लगा लिया ना, काम नहीं कर पाएंगे, दिख नहीं पाएंगे, 2 दिन तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस हाथ में, जैसे मैंने लेफ्ट में लगाया हुआ है, मैं करता हूँ राइट हैंड में, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड में मैंने लगाया है, तो लेफ्ट हैंड में अभी मेरे को थोड़ा हल्का पूरा दर्द दर्द वगैरह हो रहा है, लेकिन मैं इस हाथ से काम नहीं करता हूँ। अगर मैं इस हाथ में लगा लेता, राइट हैंड में लगा लेता, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि क्योंकि मैं लिख नहीं पाता, काम नहीं कर पाता, हाथ इधर उधर ऐसे नहीं हिला पाता, कुछ नहीं कर पाता। तो इसीलिए जिस हाथ में आप काम नहीं करते उस हाथ में आप लगाइए। ठीक है, और बिल्कुल सेफ्टी एंड मेजर के साथ लगाइए, और अपने आप को सेफ्टी में बचाए रखें। सो कैसी लगी वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, और भी वीडियो आने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दो, नीचे लाल कलर का बटन होगा उसको सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब हो जाएगा, और घंटी का बटन जरूर दबाएँ, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाएँ, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी कि भाई की वीडियो आ चुकी है। और हाँ, इंस्टाग्राम में फॉलो कर दें, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे इधर उधर उल्टा फिर सीधा हो जाता है, बट इधर आएगा, तो जाके फॉलो मारिए। ठीक है, जितना हो सकता है जाके फॉलो मारिए, और थैंक यू आपने इतना सपोर्ट दिया मेरे को इंस्टाग्राम में। ठीक है, वहीं पे डालता हूँ, कहाँ जाओ क्या करो क्या नहीं करो सब कुछ वहीं डालता हूँ। सो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, स्टे फिट, स्टे ऑसम, माता जी से प्यार करें, देश से प्यार करें, जय हिंद, जय भारत।